हेलो फ्रेंड्स फाउंडेशन्स ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग को किस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं उसके बारे में कई जो फंक्शंस के बारे में बात करी है पहले हमने उन स्ट्रिंग्स को किस प्रकार से आपस में जॉइन किया जाता है उसके लिए हमने पीस फंक्शन की बात करी फिर उसी स्ट्रिंग को हम किस प्रकार से डिफरेंट हिस्सों में स्प्लिट करते हैं हमने उसके लिए स्ट्रिंग स्प्रेड की बात करी और उसी डायरेक्शन में आज आगे बढ़ते हुए हम कुछ और अपने बेसिक ऑपरेशन की बात करते हैं जो हमारे इन स्ट्रिंग्स और करेक्टर्स से और हमारे जो साथ में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे संबंधित हैं यह हमारे छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं हम जिनको जब भी हम कभी रिपोर्ट जनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल हो सकता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इन टॉपिक्स को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और हम छोटे छोटे यहाँ पे उदाहरण लेंगे उसके द्वारा हम आपको इन फंक्शन को समझाने की कोशिश करेंगे तो चलिए लेक्चर को आरंभ करते हैं अब देखिए सबसे पहला जो हम यहाँ पे फंक्शन बात करते हैं उसका कार्य यह है कि अगर हमको कोई स्ट्रिंग या एक कोई वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड में हमारे कितने कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए जैसा कि आपने देखा है कि हमारे बहुत से वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं जैसे आपने एम एस वर्ड में भी देखा होगा कि जब आप कुछ टाइप करते जाते हैं तो आपको बाएं हाथ पे नीचे की ओर वह आ, कुछ इस तरह का एक जो जगह पर यहाँ पर कुछ एक आता रहता है कि आपने अभी तक तो कितने वर्ड्स टाइप किए हैं और उसमें से आपने कितने कैरेक्टर्स टाइप कर रहे उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आती रहती है तो उसी तरह की इन्फॉर्मेशन का हम अपने आर सॉफ़्टवेयर में किस प्रकार से निकाल सकते हैं और उसको अगर हमको उसके आगे उपयोग करना है तो उसको किस प्रकार से कर सकते हैं तो उसी कार्य को करने के लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में एक कमांड होता है एन सी एच ई आर इसका मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अर्थात कोई भी हमारा स्ट्रिंग है या हमारा वर्ड है उसके अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं यह उसके बारे में बताता है तो हम यह एन सी एच ए आर कमांड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आर्ग्यूमेंट में पैरेंथेसिस में हम अपना जो भी ये कैरेक्टर वैक्टर लिखेंगे यह जो उसका साइज है उसको बता देगा और साइज में जो हमको उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं उसकी संख्या बता देगा उसी के साथ में अब जब हम इस तरह के स्ट्रिंग ऑपरेशन को करते हैं तो हमारे पास दो तरह की स्ट्रिंग हो सकती हैं एक तो स्ट्रिंग जिसके अंदर हमारे कुछ करेक्टर्स हों और कोई स्ट्रिंग ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें हमारे कोई करेक्टर्स ना हों तो अगर मुझको सिर्फ ये पता करना है कि कौन सी हमारी स्ट्रिंग खाली है और किस स्ट्रिंग में हमारे कुछ करेक्टर्स हैं इस कार्य को करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है एन जेड सी एच ए आर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है एन जेड सी एच ए आर का जो आउटकम आता है वो हमारा लॉजिकल ट्रू और फॉल्स के में आता है तो उसमें क्या है कि जब अगर एन जेड सी एच ए आर और उसके हम पैरेंथेसिस में अपना उस स्ट्रिंग को लिखते हैं अगर वो हमारी स्ट्रिंग खाली होती है तो वहाँ पे आ जाता है लेकर के फॉल्स और अगर हमारी स्ट्रिंग खाली नहीं होती है अर्थात स्ट्रिंग खाली नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा लिखकर के ट्रू तो चलिए इसी जरा सा एन सी एच ए आर कैरेक्टर के बारे में देखते हैं कि उसको आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और हम फिर आपको आपको धारों के द्वारा हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो देखिए एन सी एच ए आर को यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं एन सी एच आर और अपने आर्ग्यूमेंट में या अपने पैरेंथेसिस में हम लिख देते हैं एक्स ये हमारी स्ट्रिंग है या एक हमारा ये कैरेक्टर वेक्टर है जिसके अंदर हम अपने इन कैरेक्टर्स की संख्या को मालूम करना चाहते हैं और उसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है टाइप और टाइप के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं जैसे बाइट सी एच ई आर एस और विथ तो इसके द्वारा क्या हमारा होता है कि जो भी हमारी मैचिंग होती है एक जो एक आंशिक मैचिंग होती है ये उसके बारे में हमको बताता है उसके बाद में हमारा एक और देखिए ऑप्शन होता है अलाउ एन ए ए डबल एल ओ डब्ल्यू लोअर केस अल्फ़ाबेट में और फिर है एन ए तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स तो देखिए जैसा देखिए आपको इसका नाम बताता है अलाउ एन ए तो एन ए आपने कैपिटल गटर में लिखा है इसका मतलब कि ये मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में है तो क्या हमको मिसिंग वैल्यूज़ को यहाँ पर अलाउ करना चाहिए कि नहीं ये इसके बारे में बताता है उसी प्रकार से हमारे पास एक और ऑप्शन है कीप एन ए के डबल ई पी हम आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में और जो एन ए है ये आपका अपर केस अल्फ़ाबेट्स में है तो देखिए ये भी आपको जैसा इसका नाम बता रहा है कीप एन ए अर्थात क्या आप एन ए वैल्यू को आप आ, आ, को आप रखना चाहते हैं कि नहीं अर्थात यह आपको बताएगा कि अगर एक्स में हमारी कोई एन ए वैल्यू है तो क्या यहाँ पर इसको एन ए दिखाना चाहिए तो इसी प्रकार के हमारे पास देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन होते हैं जिसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हेल्प मेन्यू में जा कर के उनको सीखिए और हम यहाँ पे इसमें से कुछ जो हमारे ऑप्शन हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम आपको इनका जो उपयोग है वो दिखाने की कोशिश करेंगे उसी प्रकार से हमारे पास देखिए मैंने बताया एन जेड सी एच ए आर है जिसके द्वारा हम हमको ये पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो, वो हमारा एम टी है कि नॉन एम टी अर्थात तो उसके स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे करैक्टर की संख्या ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है तो इसमें भी हम इसको ऐसे लिखते हैं एन जेड सी एच ई आर और उसके बाद दे देंगे अपनी स्ट्रिंग एक्स और यहाँ पे फिर हमारा की पैने का भी ऑप्शन होता है और बाकी ऑप्शन भी होते हैं लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो उत्तर आएगा वो आपका ट्रू या फॉल्स में आएगा और जबकि जो हमारा ये जो ऑप्शन है एन इसका जो ऑप्शन आएगा इसका जो उत्तर आएगा वो हमारा एक न्यूमरिक होगा अर्थात वहाँ पे हमको एक संख्या मिलेगी तो चलिए अब हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको इन जो एन सी एच ए आर और एन जेड सी एच आर जो फंक्शन है उनका उपयोग दिखाते हैं तो चलिए हम एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं x जिसको मैंने लिखा मैंने लिखा r कोर्स उसके बाद ट्वेंटी फोर डॉट ज़ीरो सेवन डॉट टू ज़ीरो टू टू अब मुझे ये काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे कुल जो संख्या है कैरेक्टर्स की कितनी है हमारे कुल कितने कैरेक्टर्स हैं अब हम आगे बढ़ते हैं मैंने कहा चलिए हम उसको काउंट करते हैं ये हमारा हो गया वन अब इसके आगे हमारा है ब्लैंक साइन अब हमारे सामने यह कन्फ्यूजन है कि क्या ये ब्लैंक साइन काउंट होता है कि नहीं होता है तो चलिए पहले काम करते हैं जरा इस एन सी एच ए आर को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि एन सी आर सी एच ए आर और ब्रैकेट में जब हम लिखते हैं एक्स पैरथिस में लिखते हैं एक्स तो देखिए ये हमको उत्तर देता है उन्नीस ये मैं क्यों कर रहा हूँ जैसा मैं आपको हर बार अपने लेक्चर के अंत में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आर किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसके अनुसार आपको अपने इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे तो जरा सा हम देखते हैं कि इसमें हमारा उत्तर आ रहा है उन्नीस अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं या तो हमें इस ब्लैंक साइन को काउंट करें और या उसको हम छोड़ दें तो चलिए पहले हमको लगता है अपने कॉमन सेंसी की ब्लैंक साइन तो ब्लैंक साइन है हम उसको क्यों काउंट करें तो हम उसको छोड़ लेते हैं तो देखिए पहला आपका हो गया आर फिर हो गया सी दो ओ तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह लेकिन उत्तर आपका आ रहा है उन्नीस तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो ब्लैंक साइन यहाँ पर दिए हुए हैं आर उसको भी काउंट करता है और देखिए ये तो ऑबियस भी है कि आप अगर ध्यान देने की कोशिश करिए ये आपकी एक ही तो स्ट्रिंग है और जहाँ पे ये आपके दो ब्लैंक स्पेसेस हैं तो तो जब भी आप कोई डबल कोर्स के अंदर कोई स्ट्रिंग लिखते हैं उसके अंदर तो ब्लैंक स्पेस भी हमारा एक करेक्टर की तरह माना जाता है इसीलिए ये ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करता है और ये बात आपको ध्यान रखनी है राइट right? उसके बाद हम चलिए एक और यहाँ पे उदाहरण लेते हैं y और यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वलन देन ट्वेंटी फाइव जैसमें काउंट करते हैं इसमें इस कितनी संख्याएँ हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात जो हमारा ब्लैंक स्पेस है आठ नौ दस जो हमारा ब्लैंक स्पेस है ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस इस, इसके बाद चौबीस जो हमारा ब्लैंक स्पेस है पच्चीस और छब्बीस देखिए आपने जब एन सी एच ए आर वाई किया तो इसने आपको उत्तर दे दिया छब्बीस इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमारा जो एन कैर हमारा कार्य करता है तो अब हम सा इसी हम जो स्ट्रिंग हमारी हमने लिए एक्स और वाई इसके ऊपर जरा सा हम अपना ये एन जेड सी एच ए आर वेक्टर को भी ऑपरेट करते हैं एन जेड सी एच ई आर जो हमारा फंक्शन है इसको ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा इसका उत्तर किस प्रकार से आता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा ट्रू और फॉल्स के टर्म्स के में आता है लेकिन इसका इंटरप्रटेशन क्या है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो देखिए हमने जब यहाँ पर लिखा एक्स इज इक्वल टू और एक ही देखिए डबल कोर्स मैंने लिखा हुआ है आर कोर्स ट्वेंटी फोर जीरो सेवन डॉट ट्वेंटी ट्वेंटी टू जब हम यहाँ पे करते हैं एन जेड सी एच ई आर एक्स तो ये हम ये हमको उत्तर दे देता है ट्रू अब आप देखिए आपने तो यहाँ पे देखा है कि जो आपके इस एक्स के अंदर कितने करेक्टर हैं उन्नीस तो डेफिनेटली ये जो आपका एक्स ये जो स्ट्रिंग है ये खाली है कि नहीं ये खाली नहीं है और इसीलिए ये आपको उत्तर दे रहा है ट्रू और अगर यहाँ पे अगर आपका x खाली होता है यहाँ पर अगर आपके करेक्टर की संख्या शून्य होती तो यह आपको कह देता फॉल्स ये हम आपको आगे एक उदाहरण में करके दिखाएंगे और इसी प्रकार से आप जब अपने अगला जो एग्ज़ाम्पल आपका है y आप उसको लेते हैं तो इसमें आपने क्या लिखा था नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोलन ट्वेंटी फाइव तो इसमें भी आपने देखा था कि इसमें आपके कितने करेक्टर्स हैं छब्बीस तो जब आप यहाँ पर ऑपरेट करेंगे एन जेड सी एच ई आर और दिस में लिखेंगे वाई तो ये उत्तर आपको दे देगा ट्रू अर्थात ये भी खाली नहीं है इसके द्वारा आपको देखिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई भी आपकी स्ट्रिंग खाली है कि नहीं है अब चलिए जरा सा हम इसको आ, पहले आर सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और देखिए ये इसका स्क्रीन है तो चलिए पहले हम इसको ऑपरेट करते हैं और फिर हम आ, जो आपको आ, इसका उदाहरण कि अगर एन जेड सी एच ई आर हमारा फॉल्स कब होगा इसका दिखाएंगे तो चलिए देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली अपनी ये एक्स जो भी स्ट्रिंग है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली अपनी ये वाई स्ट्रिंग तो देखिए आपकी एक्स क्या होगी ये हो गई अब एक्स में आपने कहा एन सी एच ए आर और आपने कह दिया एक्स तो देखिए उत्तर आ गया उन्नीस राइट right. और अगर यहाँ पर आपने एन जेड सी एच ई आर कर दिया तो उत्तर आ गया ट्रू उसी प्रकार से आपने अगर एन सी एच ए आर वाई के ऊपर लगा दिया तो उत्तर आ गया आपका ट्वेंटी सिक्स और इसी में जब आपने कर दिया एन जेड सी एच ए आर तो देखिए आपका उत्तर क्या आ गया ट्रू तो देखा कि इसको तो ऑपरेट करना बहुत ही आसान काम है राइट अब हम जरा सा आपको एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि एन जेड सी एच ए आर की वैल्यू फॉल्स किस प्रकार से आती है तो चलिए हम यहाँ पे एक अपना जो हमारा बहुत ही पॉपुलर एक उदाहरण है स्ट्रिंग है हम उसको लेते हैं एप्पल बनाना केक हम ये तीन स्ट्रिंग्स को एक साथ डबल कोट्स में अलग अलग लिख लेते हैं और हम एक यहाँ पे डेटा वैक्टर तैयार करते हैं एक्स तो जब आप देखेंगे यहाँ पे है, आपका आ गया एक्स तो ये आ गया और जब आपने इसमें लगा दिया एन जेड सी एच ए आर एक्स तो देखिए इसका उत्तर क्या आ गया ऐसा आ गया कुछ ट्रू ट्रू और ट्रू ये क्यों आ गया आप अगर देखने की कोशिश करिए तो जो भी आपका एप्पल में कितने अल्फाबेट्स हैं कितने करेक्टर्स हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच और जो अगला हमारा स्ट्रिंग है बनाना इसमें कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः और जो हमारा अंतिम है केक इसमें कितने हैं सी ए के ई -E, अर्थात एक दो तीन चार चार तो डेफिनेटली इसमें से कोई भी आपकी स्ट्रिंग खाली नहीं है तो यही बात ये आपको ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू बताने की कोशिश कर रहा है तो जो ये वाला ट्रू है ये एप्पल के बारे में बता रहा है कि ये स्ट्रिंग खाली नहीं है जो दूसरा वाला ट्रू है वो हमारा इस एक्स के अंदर दूसरे स्थान पे जो स्ट्रिंग है उसके बारे में बता रहा है कि ये खाली नहीं है उसी प्रकार से जो हमारा जो अंतिम ट्रू है ये हमारा जो इस एक्स डेटा वेक्टर में लिखा हुआ है केक यहाँ पर बता रहा है कि ये भी स्ट्रिंग आपकी खाली नहीं है राइट right, अब हम देखिए एक काम करते हैं हम जरा सा इसी अपने इस डेटा वेक्टर को मॉडिफाई करते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं एप्पल और जो बनाना है उसको हम हटा देते हैं लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे खाली ये दो डबल कोर्स लिख देंगे और इसके बीच में देखिए कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है क्योंकि ब्लैंक स्पेस आपने डाला तो ये नॉन जीरो हो जाएगा नहीं है राइट और उसके बाद देखिए अगला क्या होगा केक तो देखिए वाई आपका इस तरह का आउटपुट आ गया और जब आपने इसमें ऑपरेट किया z सी एच ई आर वाई तो देखिए उत्तर क्या आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू अर्थात ये जो ट्रू है ये दिखा रहा है कि एप्पल के अंदर ये नॉन ज़ीरो स्ट्रिंग है अर्थात इसमें जो हमारे जो कुल कैरेक्टर्स हैं वो ज़ीरो नहीं हैं और उसके बाद में देखिए इसने लिया अगला वाला ये वाला और यहाँ पर इसने दिखा दिया आपको फॉल्स क्योंकि इसके अंदर जो हमारे करेक्टर की संख्या शून्य है इसलिए इसने आपको दिखा दिया फॉल्स और इसके बाद में जो आपके पास लिखा था केक यहाँ पर इसने आपको दिखा दिया ट्रू तो चलिए जरा हम आपको ये वाला एग्जाम्पल आपको सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए एक्स आपका ये आ गया अब जरा सा इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अनकेयर एक्स देखिए कितने आ जाएंगे ये जो आपने अभी निकाले हैं पाँच छः चार अब इसी में जब आपने यहाँ पे लगाया आपने एन कैच सी एच ए आर तो आपने लिख दिया ट्रू उसके बाद में चलिए हमने अपने इसी एक्स को हमने यहाँ पे मॉडिफाई uh, किया और जो बनाना में मैंने देखिए यहाँ पे सारे करेक्टर हटा हाँ दिए खाली आपका यहाँ पे दो डबल कोर्स लिखे और इसको मैंने वाई में लिख दिया अब आप देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे एन केयर वाई में कितना आया देखिए पाँच शून्य और चार और जब ये आपका शून्य हो गया और जब आपने यहाँ पे एन जेड सी एच ए आर यूज़ किया तो देखिए ये ट्रू हो गया ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया तो ये जो फॉल्स आपका देखिए ये जो ज़ीरो आया है ना और यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा है ये इसको इंडिकेट करता है तो ये जो हमारा ऑपरेशन होता है इसके द्वारा हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा कोई स्ट्रिंग खाली है या उसमें करेक्टर्स हैं तो चलिए अब हम आपको कुछ और अधिक लेते हैं क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी है कि अब तक हमने खाली जो अपने करेक्टर स्ट्रिंग से लिए हुए हैं अब हम आपको कुछ यहाँ पे नंबर भी लेंगे तो देखिए पहले तो हमने अपना जो पहले वाला स्ट्रिंग था एप्पल बनाना केक इसको ले लिया तो इसमें आपने देख लिया कि एन कैर एक्स में क्या उतरा जाएगा पाँच छः चार इसका क्या मतलब है कि ये जो एन कैर ऑपरेटर है ये आपका स्केलर वैल्यू के साथ में डेटा वेक्टर के ऊपर भी कार्य करता है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और उसमें से ही है कि पाँच जो संख्या है ये इसमें एप्पल में पाँच करेक्टर्स हैं छः जो हमारी बनाना में छः करेक्टर्स हैं और ये जो है फोर ये हमारे एक में चार करेक्टर्स हैं ये उसको दिखा रहा है इसके बाद देखिए हम यहाँ पर तीन संख्याएँ लेते हैं दो चार छ अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे एन कैर ऑफ वाई वाई क्या है ये डेटा वेक्टर है तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन 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 लेकिन आपको समझना है कि वन 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 और इस संख्या का क्या मतलब है ये जो है आपकी दो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं एक तो ये देखिए लिखा हुआ है एक फोर में कितने कैरेक्टर्स हैं एक ये लिखा हुआ है एक और ये जो लिखा हुआ है छः इसमें कितने करेक्टर्स हैं ये लिखा हुआ है एक तो ये आपको एक एक यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है उसी के बाद जब हम आगे आते हैं हम एक और यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और हम पहली संख्या में दो करेक्टर्स लेते हैं वन वन उसके बाद हम अगले संख्या लेते हैं दो सौ बाईस और तीसरी जो अपनी संख्या लेते हैं हम तीन हज़ार तीन सौ तैंतीस तो देखिए इस पहली एलेवन नंबर में कितनी डिजिट्स हैं कितने करेक्टर्स हैं दो दो सौ बाईस में कितने करेक्टर्स हैं टू हंड्रेड ट्वेंटी टू में करेक्टर्स हमारे हैं तीन और ये जो हमारे लिखा है थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री इसमें कितने करेक्टर्स है चार तो जब आप यहाँ पे ऑपरेट करेंगे एन सी एच ए आर जेड तो आपको यही दो तीन चार संख्या आपको दिखा देगा उसी के बाद अगर आप इन्हीं संख्याओं में आप अगर पॉइंट लगा दिए डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया वन पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू और थ्री पॉइंट थ्री 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 तो जब हम इसके ऊपर एन सी एच ए आर और इस जेड वन डेटा वेक्टर के ऊपर लगाएंगे तो उत्तर हमारा जाएगा तीन चार पाँच क्यों ये जो तीन है ये दिखा रहा है 1.1 पॉइंट वन वन पॉइंट वन तीन करेक्टर इतना दो में कितने हो गए 2.22 में वन टू थ्री फोर तो इसने दिखा दिया चार फिर 3.3333 में कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हो गए हमारे पांच करेक्टर्स इसने आपको ये दिखा दिया तो चलिए इस प्रकार से ये इसमें से कार्य करता है चलिए हम आपको आगे बढ़ने के पहले ज़रा सा इनको आ, अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके भी दिखा दें सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए तो देखिए मैंने यहाँ पे एक अपना डेटा वैक्ट ले लिया एप्पल बनाना केक और यहाँ पे हमने ले लिया एन कैर एक्स तो देखिए ये कितना आ गया फाइव सिक्स फोर फिर मैंने एक और डेटा वैक्टर तैयार कर लिया सपोज चार पाँच छः और इसके अंदर जब मैंने एन कैयर को हमने किया एन कैर वाई तो देखिए उत्तर क्या आ गया वन 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 अर्थात ये चार पाँच छः ये आप में एक एक इनके अंदर करेक्टर्स हैं अब इसी वाई को ज़रा मैंने चेंज कर लिया फोर में मैंने कर लिए दो करेक्टर से फोर्टी फोर फाइव की जगह मैंने कर लिया फाइव 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 और छः में मैंने कर लिया छः 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 और जब हम देखिए यहाँ पे अपना इस एन के आर वाई को करेंगे तो क्या उतरा जाएगा दो तीन चार क्यों फोर्टी फोर में कितने हमारी है करेक्टर्स हैं दो फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव में कितने हैं तीन और सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स में कितने हैं चार राइट right, अब हम इसी को इसमें जरा हम पॉइंट वेल पॉइंट लगा देते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क आता है तो 44 को हमने कर दिया 4.5 फिर मैंने कर दिया 5.55 और फिर हमने कर दिया 66.66 राइट .66. right, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे इसके कितने करेक्टर्स आते हैं या आ गए तीन चार पाँच क्यों क्योंकि देखिए आपका एक दो तीन फिर कितना है एक दो तीन चार ये आपका हो गया चार उसके बाद में उसके बाद में देखिए आपका कितना है सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स तो इसमें कितने हो गए पाँच तो देखिए ये कितना हो गया तीन चार पाँच ये इसमें साथ देखिए तीन चार पाँच करेक्टर इन किनो के अंदर आ गए तो यही बात ये आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक और टॉपिक बारे में बताते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप अपनी कुछ डेटा मैनिपुलेशन करते हैं स्ट्रिंग को लेकर के या हम एक ऐसा उदाहरण लें कि आपको कोई एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और सपोज़ कि आपने कहा कि पांच लोग उसमें से काम कर रहे हैं और पांच लोगों को अलग अलग जगह पे अपनी रिपोर्ट को तैयार करना है अब आपने कहा कि उस रिपोर्ट का जो टाइटल होता है वह आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए अब उन पांचों में से उन पांचों लोगों ने अलग अलग तरीके से उसके टाइटल लिखे किसी ने लोअर केस में लिख दिया किसी ने अपर केस में लिख दिया किसी ने उसको सेंटेंस केस में लिख दिया कि जो पहला उसका अक्षर है उसको कैपिटल कर दिया बाकी को स्मॉल कर दिया इत्यादि करके अब अगर आप ये चाहते हो कि उसका टाइटल यूनिफॉर्मली सभी का अपर केस में या लोअर केस में आ जाए तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए तो उसी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह के कमांड होते हैं एक होता है टू लोअर टी ओ एल ओ डब्ल्यू ई आर और दूसरा होता है टू अपर टी ओ यू डब्लू पी ई आर राइट तो जैसा देखिए आपको इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये किस प्रकार का कार्य करेंगे जैसे हम ये हमने कहा टू लोअर अर्थात कि जो भी हमारा करेक्टर है उसको ये लोअर केस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देगा और जो हमारा टू अपर है जैसे अब इसका नाम दिखा रहा है आपको टू अपर अर्थात कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अपर केस अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा राइट right. तो हमको इसको इस्तेमाल करने के लिए जो भी हमारा कुछ एक स्ट्रिंग है उसको हम यहाँ पे पैरेंथिस में लिखते हैं और साथ में लिख देंगे टू लोअर और पैरेंथे में एक्स तो ये एक्स के अंदर जो भी कुछ लिखा है इसको वो लोअर केस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देगा और उसी प्रकार से अगर हम टू अपर और पैरेंथेसिस में लिख देंगे एक्स तो ये हमारा उसको जो भी हमारा लोअर केस में लिखा हुआ है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और साथ ही जब ये हमारा ऑपरेशन होता है तो इसमें अगर हमारे पास कोई एक नॉन अल्फ़ाबेट करेक्टर होते हैं जैसे नंबर होते हैं या कोई सिंबल्स होते हैं उसमें कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है राइट right. तो अब हम जरा से देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है तो देखिए मैंने एक यहाँ पर स्ट्रिंग ले ली और मैंने यहाँ पर लिखा आर ये हमारा कैपिटल में है उसके बाद कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी 2022, ट्वेंटी right. राइट तो देखिए ये जो आर हमारा है ये हमारा कैपिटल लेटर्स में है और ये सब जो हमारे हैं कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम ये आपका लोअर केस में लिखा हुआ है लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं नंबर्स दिए हुए हैं और साथ में जो करेक्टर्स हैं लाइक एस सी डॉट या डिबल पॉइंट अब हमने जब यहाँ पे अपना कमांड यूज़ किया टू अपर और यहाँ पे लिख दिया एक्स एक्स क्या है ये स्ट्रिंग तो देखिए जो उसका आउटकम आया इस प्रकार से आ गया जो आर आपका कैपिटल मिल में था अपर केस में वो तो अपर केस में ही रहा लेकिन जो आपका ये लिखा था कि कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम ये देखिए आपका अपर केस में कन्वर्ट हो गया और ये जो आपके नंबर्स लिखे हुए थे ये आपके ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर आ गए राइट right. उसी प्रकार से आप अगर देखिए हम एक और उदाहरण लेते हैं और यहाँ पे हमने सब कुछ अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इसको मैंने Z के अंदर लिख दिया है ये हमारा स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ इसको अगर हम लोअर केस में करना चाहते हैं तो हमने लिखा यहाँ पे T O L O W E R और पैरेंथिस में हमने लिख दिया Z जो इस स्ट्रिंग का नाम तो देखिए ये क्या हो गया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये देखिए सब कुछ लोअर केस में अपने आप से कन्वर्ट हो गया राइट right. तो आपने देखा कि ये टू लोअर और टू अपर कमांड्स को इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से आप आ, जो अपने स्ट्रिंग्स हैं उनके करेक्टर को लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और देखिए ये आपको इसका स्क्रीन भी है तो चलिए आपको हम ज़रा सा इन ऑपरेशन को अपने आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा देते हैं जिससे कि आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया अपना डेटा वेक्टर ले लिया एक्स और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया मैंने जेड तो देखिए एक्स आपका ये हो गया तो अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया देखिए टू अपर एक्स तो देखिए एक्स आपका क्या हो गया जो भी आपका लिखा था कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम ये देखिए आपका अपर केस में कन्वर्ट हो गया और अगर इसी में आप अगर ये मान ली यहाँ पर कर दें टू लोअर एक्स तो क्या होगा बाकी सब तो ये यहाँ पे लोअर में है ही या सिर्फ खाली आपका R ही तो है जो अपर केस में है तो देखिए ये भी कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में और जो आपकी ये नंबर और स्पेशल करेक्टर लिखे थे इसमें देखिए कोई इसका असर नहीं पड़ता है राइट उसी तरह से आप अगर देखें आपका कट देखे क्या है या आपका अपर केस में लिखा है आपने यहाँ पे कर दिया टू लोअर कि अगर आप इसको लोअर केस में लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा ये जो भी कुछ लिखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपर केस अल्फ़ाबेट्स में ये आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में अपने आप से टाइप हो गया नहीं इसी में आप अगर करना चाहें आपको मैं बस एक दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर फिर से अगर आप इस्तेमाल कर लें टू अपर जो आपने ये जो अपना ये जो आउटकम निकाला हुआ है तो देखिए क्या हो जाएगा ये फिर से आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है ये तो चलिए अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे फंक्शंस की बात करी है बट मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि इस प्रकार के फंक्शन जब भी आप कभी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का कार्य करते हैं अपने रिपोर्ट जनरेशन का कार्य करते हैं तब ये बहुत ही उपयोगी होते हैं राइट right. तो अब इसके बाद आपको ये सोचना है कि आप जिस एरिया में काम करते हैं आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं आप जिस प्रकार का कार्य करते हैं उसमें डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा कार्य आता होगा जहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है या कुछ लिखना है तो इन फंक्शंस को आप वहाँ पे किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और देखिए जो भी कुछ है ये तो आप खाली किसी प्रोग्राम के अंदर भी तो लिख सकते हैं तो जो भी कुछ है ये सारे फंक्शंस ऑटोमेटिक काम करेंगे उसके बाद तो आप ये सोचने की कोशिश करिए कि आप इन फंक्शन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और साथ में आप इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए छोटे छोटे उदाहरण लीजिए और उसको आर में एग्जीक्यूट करके देखिए कि क्या वो आपको वही आउटकम दे रहे हैं जो आपने सोचा था और उसके बाद आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो चलिए आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए गुड बाय